मैरिनेशन के लिए एक चम्मच अदरक लहसुन की, जिंजर गार्लिक की पेस्ट, दो से तीन चम्मच दही। इसको हम पहले प्रॉपरली हाथों के साथ प्रॉपरली मिक्स करेंगे। मिक्स करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि पूरा जितना भी हमने मैरिनेशन के लिए हमने अदरक लहसुन और दही लिया वो सारे पीसेस पर लग जाए। हम पूरा अच्छे से मैरिनेशन करेंगे। इसके मैरिनेशन को सिर्फ 10 मिनट्स के लिए भी रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज्यादा मैरिनेशन करने की नीड नहीं होती, इसलिए ये क्विक एंड इजी टू मेक है। अब ये हम देख रहे हैं कि मैरिनेशन पूरी अच्छे से हो गई है। हम क्या करेंगे, हम नाइफ को लेंगे और ऐसे कट्स मारेंगे कि जितनी हमारी अदरक लहसुन और की पेस्ट और दही है वो पीसेस के अंदर तक चले जाए। कट्स मारते टाइम बीच में जहां बोन्स है वहां नहीं, जहां फ्लेश है उस तक कट्स मारेंगे एंड उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसके अंदर हाफ टेबल स्पून काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च, लेमन चिकन में काली मिर्च जो है वो काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छे से आता है, इसलिए हम मैरिनेशन में हाफ टेबल स्पून डाल देते हैं और हमने इसको अब अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट्स रख देंगे। बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ये हमारा है ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर है बटर, बटर का पीस, इसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता। इसमें मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च पतली पतली लंबी लंबी कट करके रखी हुई है। ये है धनिया, धनिया को मैंने छोटा छोटा ग्राइंड करा हुआ है। ये है काली मिर्च, ये है मेथी और मेथी का पाउडर। मेथी को मैंने मैश करके, सूखी मेथी खड़ा मसाला जो आता है उसको मैंने मैश करके इसका पाउडर बनाया हुआ है। और ये है लेमन जूस। अब हम लेमन चिकन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून, ये मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल को मैं गरम होने दूंगी। ऑयल जब गरम हो जाएगा मैं उसमें बटर का पीस डालूंगी। बटर, हम लेमन चिकन में बटर ही यूज करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बटर इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि बटर काला हो जाता है अगर हम डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर डायरेक्ट बटर डालें। तो अब ये बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं अपने आगे के आइटम्स डालूंगी। अब देख रहे हैं कि बटर मेल्ट हो रहा है, इसलिए बटर, अब देखो ये बटर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ अगर हम घी के साथ बटर को डालते हैं। बटर पूरा का पूरा अब मेल्ट हो गया। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी। ये मैंने इसको पूरा मिक्स कर लिया। इसका मेन यूज क्या होता है कि हमारे फ्लेवर के लिए तेज पत्ता, दालचीनी और हम बड़ी इलायची डालते हैं। 2 मिनट इसके पड़े होने के बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले अदरक और लहसुन, जो मैंने पतली पतली लंबी अदरक लहसुन और हरी मिर्च मैंने पतली और लंबी करी थी, मैंने ये डाल दी। एंड अब आप इसको देखो कि अदरक और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मतलब वो हो गया है, इसलिए हम अदरक लहसुन को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। गैस आप थोड़ी सी स्लो कर सकते हैं अगर आपकी आपका घी तेल बहुत ज्यादा गर्म हुआ हुआ है तो। अदरक और लहसुन आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। प्रॉपर ब्राउन होने दीजिए अदरक और लहसुन को, जितना ब्राउन होगा उतना आपका टेस्ट अच्छा आएगा। और अदरक लहसुन और हरी मिर्च हमेशा पतली पतली करके डालिए क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पेस्ट डाली थी, तो इस टाइम हम बिल्कुल उसको पतली पतली लंबी करके डालेंगे। अब आप देखेंगे अदरक और लहसुन ब्राउन हो गया है तो हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था अभी वो हम डालेंगे। गैस को स्लो कर दीजिए और इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डालिए।
थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और गैस को स्लो रहने दीजिए, नहीं तो आपको कुछ छींटा पड़ सकता है। इसके बाद हम जब हमने इसको प्रॉपरली मिक्स कर लिया, सारी हमारा जो मैरिनेशन था उसको बटर अदरक लहसुन के साथ मैंने वो कर लिया, मिक्स कर लिया, उसके बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप काली मिर्च एक चम्मच भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया और मेथी का पाउडर जो हमने ग्राइंड करके रखा था, खड़े मसाले, उनको डालेंगे और इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस को अब आप थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें आप नमक बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि अदरक लहसुन हमने दो बार डाली है तो अदरक लहसुन से बहुत ज्यादा नमक का आ जाता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी नमक ज्यादा डालेंगे तो आपका बहुत ज्यादा तीखा बन सकता है, इसलिए हम नमक अवॉइड करते हैं इसके अंदर। अब आप इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए बंद करके रख दीजिए और जितनी स्टीम से ये पूरा का पूरा अंदर तक जितना है वो बन जाएगा। 10 मिनट के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद हम जब इसको देखते हैं चेक करने के लिए कि हमारा चिकन पका है कि नहीं पका, आप इसमें नाइफ को थोड़ा सा इसपे स्लैशेस मारिए नाइफ के और देखिए कि नाइफ से कि अब अंदर तक पूरा जा रहा है। अगर पूरा जा रहा है तो मीन्स आपका चिकन पूरा अच्छे से पक गया। अब आप इसका लिड हटाकर इस चिकन के अंदर अब थोड़ा सा मैंने ये सूखा धनिया के पत्ते ये मैंने गार्निश करने के लिए रखा है, इसको आप ऊपर से गार्निश करिए। एंड मैंने ये एक वन लेमन का जूस रखा है, इसको प्रॉपरली इसके ऊपर मिक्स करिए, क्योंकि लेमन चिकन है, लेमन चिकन बिना लेमन के तो हो नहीं सकता। इसको अच्छे से मिक्स करिए, प्रॉपरली मिक्स करने के बाद आप देखेंगे आपका लेमन चिकन रेडी। ये लेमन चिकन आपका रेडी है जो मैंने धनिया के साथ गार्निश करा हुआ है और अनियन मैंने पतला पतला काटा हुआ है गोल गोल और ये हरी मिर्च और धनिया की और चटनी है जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।